हेलो, चलो आज कंटिन्यू करते हैं। अब कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लैपटॉप में स्मूथ चल रहा है काफ़ी। चलो आज हम आराम से पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं ऐसे पढ़ूंगा, मेरे को थोड़ा डाउट है ना। अभी मैं ऐसे ही छोटी स्क्रीन करके पढ़ूंगा ताकि मेरे को दिखता रहे कि रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही है ना। तो एक दो क्लास में ऐसे लूँगा थोड़ा डाउट दूर करने के लिए, फिर आराम से हम फुल स्क्रीन मोड में पढ़ेंगे, ठीक है? चलो मैं फिर 2 सेकंड रुक जाऊँ, मैं चार्ज निकाल रहा हूँ। आपको कल कॉल आया था, मैं पिक नहीं कर पाया, टाइम नहीं मिला। आप मुझे वॉइस मैसेज भेज देना, कोई जरूरी काम होता, ठीक है? चलो ठीक है, ब्राइटनेस को कर लेते हैं, आपको दिखाई भी देगा अच्छे से। तो हमारे एक पार्ट ए हो गया था, है ना? और मुझे नहीं पता पेज कट है या फोटो आपने आज ही भेजी है मुझे, क्या दिक्कत है? ये पेज नंबर कौन सा था? 82 ये था ना, 82, ये 83 होगा, ये 84 होना चाहिए, 84 ही है। यहाँ पार्ट 5 ए कुछ लिखा है नहीं, लिखा आपने, वो भेजा नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब हम पढ़ते हैं। वो सारे ना पुराने पीरियोडिक टेबल पे थे, हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आज के टाइम पे कौन से पीरियोडिक टेबल यूज की जाते हैं, मॉडर्न है ना। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, दोज हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अकर एट रेगुलर इंटरवल। वो कह रहे हैं व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, कैसे अरेंज किया गया? अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, यानी उनके एटॉमिक नंबर्स के असेंडिंग ऑर्डर में जब उनको अरेंज किया गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, 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 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, किसके सेम है? एटॉमिक नंबर के बराबर हैं। दे अकर एट रेगुलर इंटरवल्स, वो रेगुलर इंटरवल्स पे अकर होते थे, यानी वो जगह पे रिपीट करते थे, ठीक है? एंड क्योंकि, एंड सिंस क्योंकि द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर थे वो पीरियोडिसिटी शो करते हैं, वो पीरियोडिसिटी शो करते हैं, है ना, इस है ना। देयर फोर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेस्पॉन्डिंग पीरियोडिसिटी, इसलिए उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, तो वो भी पीरियोडिसिटी शो करती हैं। सर एग्जांपल थोड़ा बताइए, तो एक एग्जांपल दे रहे हैं। कंसीडर अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल लेते हैं हम, पीरियोडिक टेबल का फॉर एग्जांपल द फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम कैजियम एंड फ्रेंसियम हैव एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37, 55, 87 रेस्पेक्टिवली, यानी 3 लिथियम का 11, सोडियम का 19, पोटेशियम का 55 भी ना, नहीं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 लिथियम का 11, सोडियम का 19, पोटेशियम का 37, रुबिडियम का 35 वो 55, कैजियम का 87, फ्रेंसियम का, ठीक है। तो कहने के ऑल आर सॉफ्ट मेटल्स, सारे के सारे सॉफ्ट मेटल्स, सारे के सारे सॉफ्ट मेटल्स हैं। सर इनके बीच में डिफरेंस काउंट करना रहा, इनके बीच में डिफरेंस कितना कितना है? 3 और 11 के बीच में डिफरेंस 8 का, 11 और 19 के बीच में डिफरेंस 8 का, ठीक है। 19 और 17 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 18 का। ओह सर थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस है क्या? 37 से 55 के बीच में 87 का, वो 18 का, सॉरी, 55 से 87। सर ये क्या बीच में आ गया, ये एक स्टार्टअप प्रोग्राम स्टार्ट होने का दर्ता है। हाँ ये जो प्रोग्राम है ना एक्सटेंडेड, इसको मैंने डिसेबल कर रखा है, इससे बेचारे ऐसे एरर दे जाता है। चलो ये बैकग्राउंड में हटता रहेगा। तो देखो इनके बीच में डिफरेंस आपने देखा, नोट किया, नोट नहीं नोटिस किया, नोट भी कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक की अगर सीरीज की बात करूँ तो 8-8 का डिफरेंस था केवल,
इनके विषय में बात करूं तो 80, इनके विषय में नहीं, फिर मैं बात करूं यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट्स के विषय में बात करूं तो 18 का डिफरेंस था। अब इनकी बात करूं इनमें कितना डिफरेंस है, 20, 32। ठीक है, तो कह रहे दे आर सॉफ्ट मेटल, सारे के सारे सॉफ्ट मेटल हैं, सारे के सारे सॉफ्ट मेटल से। ठीक है, दे हैव अ वैलेंसी वन एंड फ्रॉम आयंस, वो कह रहे हैं उनके पास एक वैलेंसी और सारे के सारे एक ही तरह के पॉजिटिव आयंस रखते हैं, यानी सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, आर वेरी रिएक्टिव, ये सारे के सारे ही क्या हैं, रिएक्टिव, यानी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, सारे के सारे सेम ही लिख पता नहीं कि सब की प्रॉपर्टीज सेम है, सारे के सारे क्या हैं, रिएक्टिव हैं और कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। इम्पार्ट कलर टू फ्लेम व्हेन दे बर्न, जब जलते हैं तभी अपना कलर छोड़ते हैं। फ्रॉम हाइड्रेट्स विद हाइड्रोजन, दे फ्रॉम हाइड्रेट्स विद हाइड्रोजन, सबों के बारे में बता रहा है कि इन सबों को जब हाइड्रोजन से मिलाओगे तो भी हाइड्रेट बनाएंगे, ऑक्सीजन से मिलाओगे तो ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, सारे सेम बता रहा है। रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, अगर वाटर से रिएक्ट करवा दें तो मेटल हाइड्रोक्साइड बना देंगे, हाइड्रोजन लीव हो जाएगा। ऑल दीज एलिमेंट्स हैव वन इलेक्ट्रॉन, सबों के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ईच इन देयर आउटरमोस्ट सेल, सबों के बाहरी सेल में, एंड सो दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, और उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है। सर इससे क्या समझा, इससे बस समझ आया कि सर अगर अगर इनके जो इलेक्ट्रॉन और एलिमेंट्स हैं अगर वो सेम पीरियोडिसिटी सेम रिपीट शो करते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है ना सबों की, वो भी सेम ही शो करेगी। जैसे 8-8 बार आरते, 8-8 के डिफरेंस पे आरती है, 18-18 के डिफरेंस पे आरती है, तो डिफरेंस इनके बीच में सेम है। ठीक है, डिफरेंस के बीच में सेम है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम ही आ रही है। ठीक है, इट इज नोटिस दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है सिमिलर प्रॉपर्टीज, वो कह रहे जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन सेम होती है उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। दस द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, दैट इज रिकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। क्या है इसका मतलब, वो कह रहा है इसी प्रकार, दस मतलब इसी प्रकार, इन द सेम वे सिमिलरली द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज द सेम नंबर, जो पीरियोडिसिटी का जो कॉज है ना वो क्या है, द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इन सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेम इलेक्ट्रॉन है, यही रीजन है इनकी पीरियोडिसिटी का। और यही बताएं कि इनके जो केमिकल फीचर्स हैं वो सेम है, और केमिकल फीचर सेम है तो ये तो वो कह रहा है कि सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है, या फिर उन्होंने भाई यहाँ पे भी उसको नाम दिया ना सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। अब क्या कह रहा है, रीअपीयर एट रेगुलर इंटरवल, ऐसी प्रॉपर्टीज, सर घरों की बात नहीं, प्रॉपर्टीज किसके फीचर्स, किसी एलिमेंट के फीचर्स, जैसे सर बहुत सारे एलिमेंट्स लगे हुए हैं लाइन में, एलिमेंट वन, एलिमेंट टू, एलिमेंट थ्री, एलिमेंट फोर, तब कह रहा है। हाँ, एक और बना देता हूँ मैं, बढ़े यहाँ से आगे, बढ़े यहाँ से आगे बढ़े, हमने इसके फीचर्स देखे, इसके फीचर्स थे कुछ इस तरह के, फिर हम यहाँ से यूं गए, इसके फीचर हमें इस तरह के नहीं मिले, फिर हम यहाँ आए, फिर इसके फीचर हमें इस तरह के मिले, फिर हम यहाँ पे गए कुछ नहीं मिला इस तरह का, फिर हम इस जगह पे, अरे कहाँ चले गए, हम दूर चले गए, फिर हम इस जगह पर आए, फिर हम इसके फीचर इस तरह से मिले। ठीक है, तो हमें देखो सेम इंटरवल पे हमें ये फीचर सेम मिले, एक छोड़ा दूसरा मिला, फिर एक छोड़ा फिर दूसरा मिला, तो इस तरह की बात करते हैं। जब इस तरह की प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हमें रेगुलर इंटरवल पे दिखाई देते हैं, या फिर और इनमें से देर ग्रेजुअल वेरिएशन, सर थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, इसलिए ये देखा था ना। अब 18-18 सारे नहीं थे, पर फिर वो 18-18 पे फॉलो हो गए, थोड़ा डिफरेंस आ गया, लेकिन फिर वो उस लाइन को दो एलिमेंट, तीन या दो एलिमेंट तक कंटिन्यू किया, फिर आगे थोड़ा डिफरेंस आ गया, अब ये भी आगे के एलिमेंट दे नहीं है, नहीं तो वो भी थोड़ा बहुत कंटिन्यू कर रहे, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है ना रेगुलर इंटरवल में। तो इन चीज़ों को बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। जरा वर्ड को समझो, आपको लगेगा सर आपने एक बार पहले तो समझाया नहीं, हो सकता है मैंने नहीं समझाया क्योंकि लैपटॉप को लेकर में थोड़ा प्रेशन था, सुबह सुबह उठता था, ये सिस्टम ही खराब कर देता था मेरे दिमाग आता, तो पढ़ाने से मेरे तो मूड खराब रहता था। पीरियोडिक का मतलब क्या है यहाँ पे,
वैसे बाहर लिखा हुआ था ज़्यादा, मेरे को फोकस करने की जरूरत है नहीं है। आप इंटेलिजेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ चीज़ें अगर मैं एम्फेसिस ना भी करूँ तो समझ सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। फिर मैं आपको बताता हूँ। चलो, पीरियोडिक मतलब क्या है यहाँ पर? पीरियड में समय नहीं है यहाँ पर। पीरियड का मतलब समझता, पीरियोडिक मतलब क्या? पीरियोडिक मतलब क्या? टाइमली, मतलब जो एक टाइम बाद, टाइम पर बस रिपीट, टाइम पर बस रिपीट होते रहे। स्केड्यूल, पीरियोडिक मतलब स्केड्यूल, स्केड्यूल रिपीट होता ही नहीं होता है। अगर यहाँ पे बोल तो पीरियोडिक विजिट, पीरियोडिक विजिट मतलब क्या? एक स्पेस पर टाइम पर मेरे को वहाँ पे विजिट करनी ही करनी है हर बार, हमेशा, एक स्पेस पर पीरियड में, है ना। उसको मतलब पीरियोडिक मतलब, पीरियोडिक मतलब जो स्केड्यूल्ड है और जो आपको बार बार करना है, जो आपको बार बार करना है। रेगुलर का मतलब यहाँ पे बार बार होता है, रिपीटेशन, बार बार वर्ड भी आए इसके अंदर, रिपीटेशन रिपीटेशन, है ना। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी मतलब क्या? ऐसी प्रॉपर्टी जो कुछ समय बाद दोबारा से हमें अपीयर हो जाती है, और वो टाइम पीरियड एक स्केड्यूल्ड होता है, ठीक है। तो ये हो गया पीरियोडिक का मीनिंग, ठीक है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी से समझा गया। एंड द फेनोमेन इज नोन एज पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। इस फेनोमेन को, इस एक्टिविटी को, इस अक्रेंस को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि प्रॉपर्टीज किसकी हैं? ये प्रॉपर्टीज किसकी हैं? एलिमेंट्स की, है ना। तो हम इनको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स बोल सकते हैं, कि एलिमेंट्स बार बार अलग अलग पीरियड पर हमें दिखाई दे रहे हैं, वही एलिमेंट। वही तो दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वो दिखाई नहीं दे रहे पर उनके फीचर्स दिखाई दे रहे हैं ना। तो हम ऐसे बोल देते हैं कि वही एलिमेंट बार बार हमें अलग अलग पीरियड पर दिखाई दे रहे हैं, स्केड्यूल पीरियड पर, है ना। तो इसी को हम बोल देते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर है यहाँ तक? एक बार रीड कर दे इसको, मैं 2 मिनट का आपको टाइम देता हूँ। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, सर ये पीरियोडिसिटी ऐसा होता है कि बार बार अपने फीचर्स पे बार बार शो क्यों होते हैं, रिपीटेशन क्यों होता है फीचर में? तो जो कॉज है ना पीरियोडिसिटी का, ये कॉज क्या है? कॉज ऑफ, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस पीरियोडिसिटी? द कॉज रिकरेंस, रिकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। वो इलेक्ट्रॉन्स वाले होते रहते हैं नेचर में, तो क्या क्या है नेचर में, तो क्या क्या है, इस वजह से पीरियोडिसिटी होती है। इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, इन अ पर्टिकुलर ग्रुप द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट रिमेन्स द सेम। अगर आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात करो तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बाहर के सेल में, बाहर के ऑर्बिट में, वो सेम रहते हैं, जैसे, है ना। दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है। वैलेंसी ऑल्सो रिमेन्स इन द सेम, वैलेंसी सेम। सो एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, दो द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज इंक्रीज डाउन अ ग्रुप। कोई दिक्कत नहीं। कुछ आपको बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ एंटायर द ग्रुप्स आर नंबर्स ऑफ 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 1 to 18 रिप्लेसिंग द ओल्डर नोटेशन ऑफ ग्रुप्स IA 8, है ना, 8 IB। तो जो पुराने वो रोमन नंबर से चलते थे ना, रोमन नंबर को छोड़ दिया इन्होंने और न्यूमेरिकल नंबर पे आ गए। तो मैं कॉल आ रहा है इधर। हेलो, हाँ हेलो, हाँ, आ रही आ रही। अरे वो आज तक अभी तक जाना पड़ेगा, वो टाइम नहीं मिला। हाँ, तो मैं चला जाऊँगा, तो देख लूँगा कहीं ना कहीं, अभी जल्दबाजी है। हाँ, अभी तो जल्दबाजी है, अभी तो जल्दबाजी है।
हेलो। रिकॉर्डिंग यहीं पे ऑफ करता हूँ, रिकॉर्डिंग यहीं पे ऑफ करता हूँ ना, एक इसका सेकंड पार्ट रिकॉर्ड करता हूँ मैं।